करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए 6 दिसंबर 1978 को बानसेब की स्थापना करने वाले, 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना करने वाले, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने वाले माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा की पूर्व सांसद, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी जी, महेंद्र प्रताप जी, सुरेश कलोरिया जी, सुरेश आर्या जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सीपी सिंह जी, निगम पार्षद पति हाजी अफजाल जी और दिल्ली निगम पार्षद साथी जुगनू चौधरी जी और बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी को बहन कुमारी मायावती जी के 62वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। जैसा कि हम जानते हैं माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। आज 33-34 साल हो गए साथियों में पार्टी बनाए हुए। 2008 मुझे याद है हम लोग पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे और पार्टी के छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम होते थे उनमें जाते थे। एक ऐसा हजूम 2008 में बहुजन समाज पार्टी का आया था कि नीला झंडा पूरी दिल्ली के अंदर चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी पार्टी नजर आ रही थी। हमारी पार्टी उस टाइम पर 14.6 मत प्रतिशत लेकर के यहाँ पर आई थी दिल्ली प्रदेश के अंदर। साथियों देखिए वही 2008 में जो हमने कर दिखाया ये मुमकिन नहीं है कि हम अब नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं लेकिन हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। धन्य है माननीय श्री काशीराम साहब जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर के गलियों में, शहरों में घूम घूम करके और बहुजन समाज के लोगों को जगाया कि आज आपको अपनी पार्टी बनाने की जरूरत है, अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। जब तक आपकी ताकत नहीं होगी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी ताकत होती है उसी को पूछा जाता है, जिसकी ताकत नहीं होती उसे कोई नहीं पूछता। तो साथियों जैसे कि माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की उससे पहले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को जगाने का प्रयास किया और बड़ी मेहनत करके जगाया। आज पूरा देश उनको मानता है। इसी तरीके से माननीय काशीराम साहब ने भी पूरे देश के अंदर अलग जगाई और अब हमारे बीच में माननीय बहन जी है जो देखिए हम लोग मानते हैं कि 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है और ये हमारी महिला है, हमारी बहन जो बहन कुमारी मायावती महिला होकर भी 62 साल की उम्र में घर में बैठ जाती है, महिलाएं चलना फिरना बंद कर देती है। लेकिन हमारी जो बहन जी है माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय नेता है वो आज भी जैसे 1984 में बहुजन समाज पार्टी के साथ लगी थी उससे पहले से और वो आज भी दिन रात मेहनत कर रही है कि जो हमारा कबा कुचला समाज है ये समाज की मुख्य धारा में आए। लेकिन ये समाज की मुख्य धारा में कब आएगा साथियों, हमें जागरूक होना होगा। हम लोगों के अंदर ना मनोबल की कमी हो गई है मुझे ऐसा लगता है। हमें ना मनोबल जगा के रखना चाहिए अपना। अगर मैं अपना मनोबल बना के रखूंगा तो मेरा जो बगल वाला साथी है उसका मनोबल बन के रहेगा, बना रहेगा। आप सभी साथी ना अपना अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए ना कि घटाए। देखिए हमारा पुराना जो घर होता है एक बार टूट जाता है हम दोबारा उसे बनाते हैं। मान लिया कि आज हमारा ग्राफ थोड़ा सा नीचे है लेकिन अगर हम धीरे धीरे उसको दोबारा से इकट्ठा करेंगे तो हमारा जो मकान है वो दोबारा से बन जाएगा। हर चीज को धीरे धीरे से हमें अपनी ताकत को फिर दोबारा से इकट्ठा करना है। और मुझे विश्वास है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोगों का मनोबल डाउन हो गया था, अभी जो हमारे दो मेयर चुने गए एक अच्छा लोगों के अंदर एक अच्छी दिशा गई, लोगों का मनोबल बढ़ा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर जो
मोदी जी ने ईवीएम के अंदर घोटाला करके जो जीत हासिल की है ना, इसका बदला माने बहन जी 2019 में जरूर लेके रहेगी। और साथियों, हम लोगों को दम खम के साथ माननीय बहन जी का साथ देना चाहिए, जिससे हमारी जो ताकत है वो बनी रहे, ताकत बढ़ती चली जाए हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।